टॉप फाइव में आया हो पता है नहीं। देना जाओ साथ में खड़े हो जाने के। जाओ जाओ जाओ। अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और स्पेशली देशमुख मैम, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और सभी स्कूल के टीचर जो मुझे इतना सपोर्ट किए, उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। मेरे फ्रेंड्स को बहुत बहुत थैंक यू और मैं स्पेशली अपने आदर्श अपने गुरु मिस्टर विकास शर्मा सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज मैं उन्हीं के कारण ही मतलब टॉप 10 में 5 में आई हूँ। थैंक यू सो मच सर। और मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी कि आप सभी का स्नेह और आप सभी का प्रेम ही मतलब आप सभी का सपोर्ट ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचा पाया है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कितना संघर्ष रहा ये शिक्षा का जीवन आपके? वैसे तो बहुत ज्यादा संघर्ष भी नहीं हुआ है लेकिन पढ़ाई में जनरली स्कूल में मेन चीज तो ये होता है कि अगर आप क्लास अटेंड किए हो तो आपका मतलब टॉप 10 में और आपका अच्छा परसेंट आने से कोई नहीं रोक सकता और उस पर आपका मेहनत आपके टीचर्स का मेहनत वो सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। और मैंने मतलब जो नोट्स होता है डेली क्लास अटेंड करने के बाद डेली क्लास में नोट्स बनाना और हमारे टीचर ने भी इतना मेहनत किया था, हम लोगों को नोट्स देते थे कि ये पढ़ाई करना ऐसा करके, उसके बाद हम सभी ने मतलब उसी नोट्स का तैयारी की हूँ और थोड़ा बहुत गाइड जो रहता है उसका तैयारी करके ही मैं अच्छे से पेपर दिला पाई। मैं अपने बेटी के लिए हर्षवती कुमारी, उसके लिए मैं हमेशा बोलती थी कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छा से तैयारी करो, तभी आज टॉप 10 पर आ सकती हो। कितना संघर्ष रहता है बच्चों को पढ़ाना और बेटी कितना उम्मीद से खरी उतर पाई है?